अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माकी बावर्ची। तो आज जो है मैं डोनट्स बनाऊंगी और काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ये बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने, अगर वेट के हिसाब से लेंगे ये तो 2.5 किलो मैदा है, अगर कप्स के हिसाब से लेंगे तो 21 कप मैदा है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मैदे को छान लिया था, 1 से 2 बार छान लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप, और ये अंदर कस्टर्ड फिल वाले डोनट्स बनेंगे। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप, मैंने छान के एक बड़े बर्तन में, खुले मुंह वाले बर्तन में डाल दिया है। तो 21 जो है, 21 मैंने मैदा लिया हुआ है, और 14 टीस्पून लेवल इंस्टेंट ईस्ट ये लिया हुआ है, 14 टीस्पून, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। 14 टीस्पून ईस्ट है, और शक्कर का पाउडर जो है 20 टीस्पून या फिर 10 टेबलस्पून, इस तरह से भी कर सकते हो, बड़ा चम्मच आप ले सकते हो। तो ईस्ट, चीनी का पाउडर, शक्कर का पाउडर और थोड़ा सा आधा चम्मच नमक, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ आपको जैसे नज़र आ रहा होगा, नमक डालने के बाद सारी ड्राई चीज़ें, देखिए नमक डाल दिया, और सारी ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हाथ से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद यहाँ पर डालेंगे बटर। बटर जो है 100 से 150 ग्राम के करीब, 1 पाव मैंने बटर जो है पिघला के रख लिया था, और जैसे देख सकते हो आप, 100 ml के से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें डाल चुकी हूँ इस वक्त। तो थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस, ये बिल्कुल ऑप्शनल चीज़ है, बस हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। और नीम गरम दूध, यहाँ पर तकरीबन इसको मुझे लग गया था 1 लीटर तक का दूध, थोड़ा सा मैंने पानी भी इसमें ऐड करके ही गर्म किया था। तो 1 लीटर दूध आपका लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा अगर मिक्स करेंगे तो कम पड़ जाए, तो थोड़ा सा पानी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आप दूध नहीं डालना चाह रहे तो आप इसमें मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 1 पाव मिल्क पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से। बस एक आटा इसका ऐसा गूंदना है कि आटा बस देखिए हल्के हाथों से बन जाए, उसके बाद इसकी अच्छी सी मालिश करेंगे आटे की। तो पहले क्या कीजिए, हल्के हाथों से बस आटे को इकट्ठा कीजिए। जैसे देख सकते हो मैंने सिर्फ आटा इकट्ठा किया है उंगलियों की मदद से, और इसके बाद थोड़ा सा आटा जम जाए तो बाजू में साइड में परात रख लीजिएगा, और हल्का गुनगुना दूध जैसे ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा गर्म करके डालते रहिएगा। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा मैं आटा मिक्स कर रही हूँ, रख रही हूँ, और ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, बस हल्के हाथों से बस मिक्स कीजिए, उंगलियों से आटा बस बंध जाए, उसके बाद साइड में रखते जाएंगे, और इसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए गूंद लेंगे। यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप, मैंने इस वक्त 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था दूध, उसके बाद मैंने सिर्फ पानी गर्म करके यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, नीम गर्म पानी, बस छूने के लायक हो जाए उस तरीके का पानी आप लीजिएगा। तो अच्छे से बस इसको मिक्स किया, और सारे आटे को बॉल में डाल दीजिएगा। अब इसकी अच्छे से मालिश कर लीजिए, आटे को अच्छी तरीके से गूंदिएगा, आधा आधा करके भी आप गूंद सकते हो या फिर इकट्ठा भी गूंद सकते हो, आपके ऊपर है। थोड़ी सी इसको अच्छा अब की आप एक्सरसाइज हो जाएगी, कसरत इसी में। तो यहाँ पर मैं तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट इसको गूंदना था, आटे को टाइम लगा। तो इसके बाद जो बचा हुआ बटर था वो डाल दूंगी, बस थोड़ा थोड़ा हाथ पानी का लगाते हुए इसको गूंद देंगे। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, अच्छे से बस आटा गूंद लिया, गूंदने के बाद जो बचा हुआ बटर था 100 ग्राम के करीब वो भी डाल दिया, उसको डाल के भी अच्छे से 1-3-4 मिनट और गूंदा, और उसके बाद जो बाकिया बचा हुआ बटर है उसके ऊपर लगा दिया, और 40 मिनट या फिर 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ताकि साइज़ में डबल हो जाए। जब तक ये आटा रेस्ट हो रहा है, डबल हो रहा है, तो कस्टर्ड की फिलिंग बना लेते हैं। कस्टर्ड की फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 लीटर के करीब दूध लिया है, और दूध को बस अच्छे से उबाल लीजिएगा, थोड़ा सा दूध की कच्ची महक निकल जाए, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे। इसके बाद इसमें यहाँ पर जैसे देख सकते हो फुल क्रीम मिल्क लीजिए, और अच्छे से दूध को पका लीजिए। पकाने के बाद इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप, मेजरिंग कप है, तो उस हिसाब से मैंने उस कप से मैंने 2 कप जो है लिया हुआ है। तो मेजरिंग कप से आप 1 कप भर के कस्टर्ड पाउडर वनीला वाला डाल दीजिएगा बाउल में, और शक्कर जो है
दो पाव शक्कर, 400-500 ग्राम के करीब शक्कर डालिएगा इसमें, क्योंकि फिलिंग थोड़ी सी मीठी अच्छी लगती है इसमें, तो इस वजह से मैं यहाँ पर 1.5 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होगी शक्कर उतना डाला है, और इसको पकने दूंगी। शक्कर डालने के बाद दूध वैसे ही पतला हो जाता है, तो इसके बाद थोड़ी देर पकाइएगा ताकि कच्ची महक निकल जाए। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप कस्टर्ड का बैटर भी तैयार है, और दूध भी शक्कर डालने के बाद थोड़ी देर पका लिया। और इसको क्या करेंगे, कस्टर्ड वाला मिक्सर डालने के बाद चम्मच ना छोड़ते हुए चलाइएगा, क्योंकि लम्स पड़ने के बहुत चांसेस होते हैं। तो एकदम गाढ़ा थिक वाला हमें कस्टर्ड चाहिए। तो थोड़ा सा वो बर्तन मुझे छोटा लगा, तो मैंने दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया। तो यहाँ पर अच्छे से इसको 5-6 मिनट और पकाऊंगी मैं। तो आप क्या कीजिए, इस वक्त शक्कर जो है चख लीजिएगा, कम लगे तो इसी वक्त थोड़े से 1-4 चम्मच कम लगे तो डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे बराबर लगी। तो इसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल के इसको मिक्स करके पका लूँगी, और ये हमारा कस्टर्ड जो है बनकर तैयार हो जाएगा। ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको। और यहाँ पर अच्छे से राइज हो चुका है आटा। तो जितने आप में आप कस्टर्ड ठंडा करेंगे बनाएंगे, तो इस वक्त तक ये अच्छे से राइज हो चुका होगा। तो जैसे देख सकते हो आप, अच्छे से एकदम बहुत अच्छी तरीके से राइज हो चुका है। तो हल्के हाथों से बस इसको थोड़ा सा हवा निकाल लीजिएगा। देखिए इस तरीके से बहुत सॉफ्ट सा है आपका आटा गूंथकर तैयार होगा। तो इस तरीके से बस 3-4 मिनट इसको गूंथिएगा ताकि जितनी भी हवा हो वो निकल जाए, और इसके बाद इसके पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप, थोड़ा सा पोर्शन मैंने निकाल लिया है और थोड़ा सा हिस्सा लिया हुआ है। देखिए इतना सा पोर्शन लिया है, और इसका अच्छे से बड़ा पेड़ा टाइप में बना लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर सूखा आटा लगा के इसको अच्छे से बेल लीजिएगा। अब आ जाती है बारी फ्राइंग की, या फिर आप बेक कर रहे हैं उस हिसाब से। तो थोड़ा सा 1/2 इंच से 1 इंच के करीब इसको मोटा रखिएगा। तो इसके बाद कोई भी ढक्कन हो या फिर आपके पास डोनट कटर हो तो आप वो भी ले सकते हो। तो अच्छे से मैंने इसको काट लिया है, देखिए एक ढक्कन की मदद से। और इसके बाद आप इसको बीच में हिस्सा थोड़ा सा काट भी सकते हो, या फिर ऐसे भी रख सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़े से काटे हैं, थोड़े से ऐसे ही बनाए हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, राइज होने के लिए रख दिया, नीचे कोई भी परात ले ली थी, और इसके बाद कट करके इस तरीके से रख लिया है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, और इसी तरीके से सारे बना लेंगे, और नॉट वाले भी आप बना सकते हो। तो नॉट वालों को बस थोड़ा सा हल्की सी ब्रीड बना लीजिएगा चोटी टाइप में। तो इसके बाद किनारों को जो है जोड़ दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए, और ये हमारे कोई भी शेप आप दे सकते हो, क्योंकि फिल अगर कर रहे हो आप तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। राउंड शेप में रहेंगे तो आसानी रहती है, फिल वाले बना रहे हैं आप तो कस्टर्ड हो, कोई भी चीज़ आप फिल कर रहे हो, चॉकलेट हो, तो फिल वाले के लिए गोल ही बेहतर है। अगर आप डोनट का नॉर्मल जो डोनट होता है उस तरीके का बना रहे हो तो थोड़ी सी उसमें दिक्कत आती है फिल करने में। तो यहाँ पर इसी तरीके से सारे डोनट्स बेल लेंगे और काट लेंगे, और राइज होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से ब्रेड बनाइएगा, दोनों किनारों को इकट्ठा कीजिए, और ट्विस्ट करके भी आप बना सकते हो। काफ़ी सारा डिज़ाइन जो आपको सहूलत आपकी जिसमें है उस तरीके का आप बना सकते हो। तो यहाँ पर अब जो नॉर्मल डोनट्स होते हैं उसी तरीके के भी बनाएंगे। ज़्यादातर तो मैंने नॉर्मल जैसे डोनट्स होते हैं वो ही बनाए हैं, फिलड वाले थोड़े से वो कम ही बनाए हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, इस तरीके से काट लिया। काटने के बाद जो बीच वाला हिस्सा है उसको नोज़ल की मदद से देखिए इस तरीके से हल्का सा ये कर देंगे। तो आप कोई भी ढक्कन भी ले सकते हो छोटा सा। तो ये हमारे डोनट्स जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। इसको 10 मिनट कम से कम रेस्ट दीजिएगा। और यहाँ पर इसी तरीके से सारे मैं डोनट्स बना लूँगी, और इसके बाद जब आधे बन जाए उसके बाद जो है ऑयल चढ़ा दीजिएगा पैन में, और इसके बाद इसको फ्राई करेंगे 2-3 मिनट इस तरफ से और 2-3 मिनट इस तरफ से, और ये हमारे डोनट्स जो है फ्राई हो जाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखिएगा, एकदम हाई फ्लेम पर नहीं, क्योंकि एकदम हाई फ्लेम पर रखेंगे तो जल्दी कलर आ जाएगा, अंदर तक बन पक नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, इसी तरीके से हल्के हाथों से अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो
अगर आप बगैर फिलिंग के, देखिए कोई भी आप डोनट बनाए तो फिलिंग अगर नहीं करना चाहते हो तो आइसिंग शुगर थोड़ी सी ले लीजिएगा, या फिर शक्कर पाउडर में थोड़ा सा 1-2 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिला लीजिए और थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल दीजिए, वनीला एसेंस या फिर कोई भी एसेंस हो आपके पास, या फिर आपको कोई कलर डालना चाहते हो तो वो डाल के ऊपर से ड्रिजल कर दीजिए और ये हमारी जो है उसकी टॉपिंग जो है डोनट की बनकर तैयार हो जाएगी एक तरीके की। ये भी तो यहाँ पर मैंने इस तरीके के भी डोनट्स बनाए हैं नॉट्स वाले, तो ये बहुत ही देखने में अच्छे लगते हैं, तो इसमें फिलिंग नहीं हो पाती। तो यहाँ पर इसी तरीके से सारे डोनट्स फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप बेक भी करना चाह रहे हो तो बेक कर सकते हो, अगर चाहते हो बेकिंग की रेसिपी डोनट वाली तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह वो भी बना दूँगी। तो इसी तरीके से सारे डोनट्स को मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर सारे डोनट्स तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, तो कस्टर्ड की फिलिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। इसको क्या करेंगे, एक पाइपिंग बैग में डाल दीजिएगा या फिर आप काट के चम्मच की मदद से भी लगा सकते हो। मैंने थोड़ा सा पाइपिंग बैग में भी डाला और इस तरीके से भी चम्मच से भी लगाया। तो यहाँ पर पाइपिंग बैग में डाल के रख लिया और इसके बाद थोड़ा सा चाकू की मदद से इसमें सुराख किया, होल किया, इसके बाद इसमें अंदर फिल कर दिया। एक तरीका ये भी है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखिए इस तरीके से डाल के इतनी आप 21 कप के लिए 2.5 किलो मैदे में आपको आराम से, अगर छोटे बड़े साइज़ के मैंने बनाए हैं, एक नॉर्मल साइज़ के आप बना लीजिएगा तो 100 या फिर 120 भी बन जाएंगे। तो मैंने थोड़े से बड़े से यहाँ पर साइज़ से बनाए हुए हैं, तो इस वजह से थोड़े से 80-90 के करीब बन चुके हैं। तो यहाँ पर जो होल किया था, सुराख की थी, उसमें अंदर कस्टर्ड जो है फिल कर लेंगे। एकदम गाढ़ा कस्टर्ड होना चाहिए, तो आपके पास पाइपिंग बैग की मदद से इस तरीके से फिल कर लीजिएगा कस्टर्ड को और इसमें अंदर फिल कर दीजिए। और यहाँ पर इसी तरीके से सारे फिल कर लेंगे। अगर आप दिक्कत हो रही है इसमें, अगर फिल नहीं हो पा रहा तो थोड़ा सा हिस्सा जो है काट कर डाल दीजिए। इसको मैं कोकोनट से कोट भी करूँगी, जिसे आपको देख रहा है, हल्का सा बस कोकोनट इसको लगा देंगे। देखिए थोड़ा सा चम्मच की मदद से इस तरीके से लगा के हल्का सा ऊपर से कोकोनट भी आप इसको लगा सकते हो एज ए गार्निश। तो ये हमारा डोनट जो है बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन किस्म के। अगर आप कम क्वांटिटी में देखना चाह रहे हो तो वो भी इंशाल्लाह कभी मैं बताऊँगी। तो इसी तरीके से मैंने सारे डोनट्स बना लिए हैं फिल वाले। मैंने बस थोड़ी ही कोकोनट्स लगाया है, खोपरा थोड़े ही डोनट्स को लगाया, बाकी सारे ऐसे ही बस फिल कर दिए थे। आपकी मर्ज़ी है, एज़ पर योर चॉइस। तो इस तरीके से बनाइएगा ज़रूर। और यहाँ पर ये सारे डोनट्स जो है बनकर तैयार हो चुके हैं, तो बस इतना ही मैंने सर्व किया है इसको और पैक कर दूँगी बाकी सारे। तो ईद के मौके पे ये बने थे, मिलाद पे, तो बना के ज़रूर खाइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, इंस्टा पे फॉलो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।